नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जो कि श्री पंच दशनाम आह्वान अखाड़े के श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी रामगिरि जी महाराज बाबा टंडा वाले नौ ग्रह शनि मंदिर पचोर जिला राजगढ़। आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ महाराज जी पहले मैं, और हमारे दर्शकों की ओर से भी मैं आपको प्रणाम करता हूँ। महाराज जी, हमने सुना आप राजनीति में आना चाहते हैं और समाज सेवा करना चाहते हैं। राजनीति कितने प्रकार की होती है और आपको इसके पीछे लगन कहाँ से लगी और आखिर इस राजनीतिक क्षेत्र में आप क्यों आना चाहते हैं? देखिए, वैसे मेरा नाम स्वामी रामगिरि जी महाराज महामंडलेश्वर डंडा वाले बाबा के नाम से मुझे जानते हैं। मैं शनि मंदिर आश्रम पचोर में रहता हूँ। नीति, धर्म नीति, राजनीति और कूटनीति, ये तीन नीति होती है। ऐसा नहीं कि मैं धर्म को छोड़ रहा हूँ, धर्म नीति के साथ साथ ही राजनीति होती है। और राजनीति में मैं इसलिए जा रहा हूँ कि धर्म नीति से जो व्यक्ति राजनीति में आएगा वो जनता की सेवा करेगा, भला करेगा और भला करने की सोचेगा। और आज देख रहे हैं कि लोग कूटनीति से आए हुए हैं और कूटनीति से आ रहे हैं, और वो लोग धर्म राज कूटनीति छोड़ के राजनीति में आए हैं। और राजनीति का जो भी हमारे लिए राशि हमारे सांसद क्षेत्र में आती है, मैं आज नहीं 20 साल तक के राशि को, ये हमारे क्षेत्र में राशि किस प्रकार आई है, कितनी आई है, वो भी लोगों के सामने ला के छोड़ूंगा। क्या मैं जो चुनाव लड़ने जा रहा हूँ और इस राजनीति में आ रहा हूँ, मैं जनता की सेवा करने के लिए, सेवा हम तो भगवान की सेवा करते हैं और भगवान ही अंदर सारे मानव जाति में भगवान ही रहते हैं, भगवान समझ के हम मैं सेवा करना चाहता हूँ, इसलिए मैं राजनीति में आया। महाराज जी, ऐसा कहा जाता है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हर जीव के अंदर ईश्वर का अंश है, तो उसी सोच को रखते हुए आप हर जीव की सेवा करना चाहते हैं? बराबर, बिल्कुल सत्य बोले आप। जो आपके चैनल के माध्यम से जैसे आपने पूछा वो बिल्कुल सत्य है कि मैं सारे जीवों जीव एक बराबर होता है, उसमें परमात्मा विराजमान होते हैं। इसलिए मैं भी चाहता हूं कि जनता के लिए यहां बड़े बड़े उद्योग लाऊं और क्षेत्र में बड़े उद्योग होना चाहिए। आज बच्चे बहुत परेशान हैं, व्यापारी देखो तो परेशान हैं। व्यापारी के लिए सरकार ज़्यादा से ज़्यादा सोचना चाहिए, क्योंकि बेरोजगारी अगर ख़त्म की है तो व्यापारी लोगों ने, अगर व्यापारी का व्यापारी खत्म होगा, उनके ऊपर ज़्यादा टैक्स दिया जाएगा, उनको कम से कम राशि में उनको पैसे देना चाहिए, सरकार को कोई बहुत सारी छूट देना चाहिए। अगर वो चाहे तो इस प्रकार अगर करे सरकार, मैं ये से मुद्दा भी उठाऊंगा। और व्यापारियों लोग हजारों से लाखों से आज मजदूर जो लगे हैं, उनको व्यापारी के माध्यम से उनको रोजगार मिला है, मैं उनके लिए भी करना चाहता हूँ। आज किसान को देखिए, बहुत परेशान रहता है। ऐसा नहीं है किसान के पास पैसे बहुत मुश्किल से कमाते हैं, आज किसान के पास एक फसल है गेहूँ की, सब चीज़ की। आज एक मोटरसाइकिल 30,000 में मिलती थी, वो आज 1-1.5 लाख में मिलती है। कार देखिए आज 15-20 लाख में मिल रही है। ट्रैक्टर देखो तो 10 लाख में, 5 लाख में पड़ रहा है। किसान को अगर मान लो सरकार चाहे तो 2 लाख में ट्रैक्टर देना चाहिए और उनके गेहूं का भाव 5,000 रुपये होना चाहिए। किसान को जब जाके राहत मिलेगी और इस देश को आगे बढ़ाने के लिए अगर सही है तो किसान है, व्यापारी है, युवाएं हैं। आज संत पुजारी ब्राह्मणों के साथ क्या हो रहा है? सरकार ने, शिवराज सिंह जी ने एक घोषणा करी थी 2004 में श्री राम मंदिर भोपाल में कि जब तक मैं रहूंगा, जब तक किसी संत ब्राह्मण पुजारी की जमीन लीलाम नहीं होगी। और आज वही शिवराज जी है कि ये दूसरे आए हैं अभी? हमारे पूरे पंडित पुजारी साधु सब परेशान हैं। हमने मांग करी है कि जहां पर आज लोगों को जमीन दे रहे हैं, मकान की जगह दे रहे हैं और हमारे पुजारियों से, संतों से उस जगह को छुड़ाई जा रही है, तो ये बात ठीक नहीं है। मैं उनके लिए भी काम करूंगा, धर्म के लिए काम करूंगा, मेरा तन मन धन सभी पूरी जनता को लुटाऊंगा और ऐसे काम करूंगा कि जिसका काम अगर नहीं होगा, अभी मैं
एक कार्यक्रम में गया था जिसमें माजी मीना कीर और पारदी समाज के लोग आए थे। बड़ा कार्यक्रम था, वो पूरे मध्य प्रदेश में 1.5 करोड़ लोग हैं। उसके अध्यक्ष हमारे भोपाल में रहते हैं भैया मीना जी, उनके माध्यम से वो जो मीटिंग रखी थी उसमें मैं मेयर को संरक्षक बनाया है। मैं यहाँ से 15,000 लोग भोपाल से कूच करवाऊंगा दिल्ली तक, और उनका आरक्षण जो मांग रहे हैं उसको पूर्ण करवा के छोड़ूंगा, ये भी मेरा संकल्प है। देखिए ये एक और काम है, आज देखिए मध्य प्रदेश के अंदर मास्टरों को इतना काम दे दिया है कि वो स्कूल में बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं। स्कूल में जाएंगे बच्चे तो प्राइवेट उसमें जाएंगे, सारे उसमें राजनीति बैठी हुई है। आज लोगों ने अपने निजी स्कूल खोल रखे हैं, उसमें देखिए आप बच्चों की फीस कितनी बढ़ा रखी है। एक व्यक्ति आज बीमार हो जाता है तो उसके लिए अस्पताल में अगर जाएगा तो लाखों से उसका इलाज होना है, उसका भी एक प्रतिबंध होना चाहिए कि इतने हजार इतने लाख से अधिक से कोई इलाज नहीं होगा, ये भी मांग उठाना चाहिए। स्कूल में इतनी फीस से ज़्यादा नहीं होगी। आज बच्चे दिन और रात पढ़ते हैं पर उनके माता पिता से पूछो क्या करते हैं। बहुत लोग इतने परेशान हैं कि हमारे बच्चे को पढ़ा कैसे सकते हैं। आज वो बच्चे दिन में पढ़ते हैं और रात में किसी के यहाँ काम करते हैं, उसके बाद भी उनको नौकरी नहीं मिल रही है। सरकार को चाहिए, बहुत सारी जगह ऐसे है आज मास्टर को अलग लगा रखा है, तो मास्टरों को जब सरकारी काम में उनको दूसरे काम में लगा रखा तो वहाँ दूसरे बच्चों को भर्ती करना चाहिए सरकार को। आज टोल टैक्स देखिए प्राइवेट दे दिए, जब सरकार कहती है कि हम रोड बना रहे हैं तो टोल टैक्स पे सरकारी बच्चे रखना चाहिए, रोड सरकारी होना चाहिए टोल भी। ऐसे हर जगह कई जगह हैं ऐसी है जहाँ बच्चों को नौकरी देना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि जो भी मांग होगी मैं सबके लिए बिल्कुल तैयार खड़ा हूँ, पर मैं सांसद का चुनाव लड़ने के लिए इस बार मैं तैयार हूँ। और मैंने बीजेपी में भी अपना बायोडाटा दे दिया हूँ और कांग्रेस में भी दे दिया हूँ और अन्य पार्टी, मेरे पास अभी बहुत सारी पार्टी आ रही है। अभी वो झाड़ू वाली पार्टी हमारे क्या बोलते हैं उसको, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी से अभी गुप्ता जी दिल्ली से आए थे और यहाँ के हमारे मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जिन्होंने भी फोन किया, राजगढ़ जिला के हमारे जिला अध्यक्ष वो भी आए थे, उनकी साथ और अन्य व्यक्ति आए थे। उन्होंने कहा महाराज आप हमारी आम आदमी पार्टी में आ जाइए और हम स्वागत करते हैं, और तुम चाहते हो जो चाहते हो वो हम देने के लिए तैयार है। तो उन्होंने बोला है कि आपको हम केजरीवाल से मिलाना चाहते हैं। केजरीवाल जी से मिलने के लिए अभी हमने बोला है कि भाई मैं मिलूंगा, समय आएगा जब, अभी तो मैं अपना काम कर रहा हूँ। पहली प्राथमिकता कौन सी पार्टी चुनाव लड़ने का आपका, सबसे पहली प्राथमिकता कौन सी पार्टी? ये पहली प्राथमिकता तो ये है मैंने बीजेपी में अपना बायोडाटा देना चाहता हूँ, ठीक है। दूसरे में कांग्रेस से भी, और अगर ये दोनों पार्टी हमारे मध्य प्रदेश में विशेष है और इस बार आम आदमी पार्टी पूरे मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रही है, अगर मौका आया तो मैं हो सकता है कि मैं आम आदमी पार्टी से भी अपना काम कर सकता। मतलब चुनाव लड़ना कुल मिलाकर तय हो चुका अपना? बिल्कुल तय है, और ये तीनों सारे हट जाएंगे जब भी मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। मैंने 1,000 कार्य के कार, हर 8 विधानसभा से 200-200 कार मैंने तय कर ली है, मेरा कार्य चल रहा है। और जुलाई में मैं एक यात्रा निकालने जा रहा हूँ, जो यात्रा पूरे सांसद क्षेत्र में निकलेगी वो 4 भाग में निकालूंगा। महाराज जी कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आपने दबाव बनाने के लिए ये कहानी रची हो कि मैं चुनाव लड़ना है और लड़ूंगा, फॉर्म खींचने की स्थिति बन जाए बाद में दबाव बन के? नहीं, नहीं, मेरे बराबर कोई सोना चांदी पैसे भी तोल दे तो मैं चुनाव से हटूंगा नहीं और चुनाव लड़ूंगा और मैं जीतूंगा भी। महाराज जी चुनाव में खर्चा वैसे बहुत होता है, देखिए अब जैसे पार्षद के चुनाव में अगर देखा जाए तो लाखों रुपए लोगों ने बहा दिए थे, अब सांसद के क्षेत्र में भी काफी खर्चा होना है। मैं अपने पास से 2 करोड़ 4 करोड़ तक भी लगा सकता हूँ, मेरे भक्त से चंदा करूंगा मैं तो बाबा ठहरा सबसे, पर मैं चुनाव लड़ूंगा।
और वो हमारा सहयोग करेंगे मेरे 8 ही विधानसभा में। महाराज जी चुनाव के लिए चंदा क्यों देंगे आपको? धर्म के काम हो, मंदिर बनाना हो, अरे भाई तो आपको चंदा मिल जाएगा। जब लोग कूटनीति से राजनीति में आके आज सारे सारे जितना भी हमारे लिए कुछ आया सब खा गए हैं। आज मेरे यहाँ एक लेटरिंग बाथरूम नहीं बनी है, मैंने कब से कहता हूँ, मेरे यहाँ एक रुपया सरकार के माध्यम से नहीं लगा है, कोई राजनीतिक व्यक्ति ने नहीं लगाया है। तुम्हारा जी आप इसी प्रेरणा और इसी द्वेष भावना रख के तब चुनाव लड़ना चाहते हैं? भाव नहीं है, ये तो चाहता हूँ कि धर्म से जुड़ना चाहिए और धर्म नीति से काम करे, आज जनता का भला करने चाहिए। लोगों ने देखो आप सब चीज अपने अपने अंडर में ले लिए, आप देखिए सब ठेके ले लिए हैं, सारे दुनिया में देखो जो भी आ रही है। हम तो कहते हैं कि मैं मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरा सारा सर्वत सब जनता का है और मैं भी जनता का हूँ। ये जनता चाहेगी तो जिताएगी और जनता चाहेगी तो हरा भी देगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो भगवान का भजन तो जब भी नहीं छोड़ूंगा, मेरा कार्य है उस करूंगा। चुनाव लड़ना तय है, मतलब लड़ना है चुनाव। राजनीति में आज हमारे मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं, मंत्री बन के बैठे हैं, सांसद बन के बैठे हैं, क्या मैं पहले ही साधु नहीं हूँ कि मैं पहली बार आ रही हूँ राजनीति में? राजनीति में महाराज जी आपने पहले भी जनता की सेवा की है, कॉलोनी का रास्ता बंद हो गया था तो आपने हाईवे रोड जाम कर दिया था। अरे यहाँ पचोर पता में है, मैंने भोपाल में कई बार बड़े बड़े आंदोलन किए हैं। उज्जैन में भी आपने सिंहस्थ में डंडा चलाया था ना, कितना बड़ा उज्जैन में सिंहस्थ के समय पर डंडा चलाया था आपने साधु संतों के हित में। तो मैं तो संतों के लिए और अच्छी नीति के लिए लड़ता हूँ, गलत नीति में आज तक मेरा कोई। बिल्कुल महाराज जी आप चुनाव लड़िए और जनता का आशीर्वाद भी आपको स्वीकार करना होगा, परिणाम सामने जो भी आए। आपको बहुत बहुत साधुवाद आशीर्वाद देता हूँ कि आपके चैनल को जो भी देखते हैं और भी आपको पास में काम लेके आए, आप बहुत अच्छा चैनल चलाते हो और मैंने देखा है कि काफ़ी दिन से आप इस कार्य को कर रहे हैं और आप बहुत अच्छे, पूरे चैनल वाले को सभी मीडिया वाले को मैं आशीर्वाद साधुवाद देता हूँ। जय श्री राम, जय शनिदेव। अभी मेरे यहाँ यज्ञ चल रहा है, राम कथा चल रही है, देखिए बढ़िया, भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, राधा कृष्ण भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इधर भगवान नौग्रह शनिदेव बैठे हैं, भोलेनाथ माता जी भैरू जी सब बैठे हैं, साईं बाबा वगैरह, मैं तो सबकी सेवा करता हूँ, जनता की भी इसी प्रकार करूँगा। ठीक, इस चैनल को आप सब लोग अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जरूर देखें, आगे बढ़ाएं और इस चैनल से आप जरूर जुड़ें। आपकी जो भी कार्य हो वो भैया हमारे रमाकांत जी को, शर्मा जी को बताएं और ये आपके बात को पूरी जनता तक पहुंचाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।